नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्येंद्र तोमर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल #सततोमरटीम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो लेकर आऊँ आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके, जिससे कि आपको जो नए यूट्यूबर है वो इससे सावधान रहेंगे, आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे बड़े यूट्यूबर के, जिससे आपके चैनल में ना कोई परेशानी होने वाली है। उससे बचने का मैं आपको सीधा सरल आसान तरीका बताऊंगा, जिससे आप अपना चैनल भी ग्रो करेंगे और दूसरों के बहकावे में नहीं आएंगे। अभी आजकल एक फ्रॉड चल रहा है यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा, कि जो पुराने यूट्यूबर है वो अपनी व्यूज बढ़ाने के चक्कर में, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में नए यूट्यूबर को धोखे में रख रहे हैं। उनका कहना क्या होता है कि आप मेरी वीडियो देखिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वो आपको एक एप्लीकेशन बता देंगे, आप उसे एप्लीकेशन पे चले जाओ। उसके बाद क्या होगा कि आपने वहाँ पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे, आप उसे व्यू देखेंगे, व्यू करेंगे, आपको कॉइन मिल जाएंगे, फिर वो आपको सब्सक्राइब कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो नए यूट्यूबर है प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के विनती है, आप किसी भी बहकावे में ना आए, अपनी वीडियो को अच्छा बनाए, आप अपना कॉन्टेंट अच्छा करें और थोड़ा टाइम दें। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ बना दिया और जाते कहना वो कहना वायरल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा टाइम दें उसे, धीरे धीरे वो चैनल ग्रो होगा। कई बार क्या होता है, आपने कोई वीडियो बना लिया है, वो धीरे से चल रही है, बाद में क्या होता है एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कोई चीज़ की अगर डिमांड है मार्केट में, उसमें टॉपिक सर्च में आ रहा है, तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। आप अपना अच्छा करिए, वीडियो बनाते रहिए रेगुलर, जो आपका टाइम पीरियड है, अगर आप 2 दिन में 4 दिन में वीडियो बनाते हैं वो वीडियो बनाते रहिए, आप ब्रेक ना लीजिए, आप अच्छे अच्छा कंटेंट कीजिए, उसमें अच्छी कहना सेटिंग कीजिए, आप टैग लगाइए, अपना थंबनेल अच्छा कीजिए। इससे होगा क्या, आपकी वीडियो के व्यूज़ बढ़ेंगे। अभी पीछे मैंने क्या देखा है, एक पुराने यूट्यूबर की मैं पर्सनली बात बताना चाह रहा हूँ, मैंने पुराने यूट्यूबर को वीडियो देखा कि अपने व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। उन्होंने बताया कि आप 1 दिन में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना, मेरा भी नया चैनल है, मैं भी अपने चैनल पर जाके 1000 सब्सक्राइबर एक ही दिन में पूरा कर लेता हूँ, वॉइस टेप भी हो जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। उन्होंने मेरे को दिखाया कि नुका एक एप्लीकेशन है, YT लव करके एप्लीकेशन है, आप इसे इंस्टॉल कीजिए। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, आप वहाँ पर बहुत सारी वीडियो चल रही होगी व्यूज़ की, आप उनको देखना। जैसे आप उनको देखेंगे आपको कहना 60 सेकंड का टाइम मिलेगा और आपको 50 कॉइन मिल जाएंगे। आप 1500 कॉइन इकट्ठे करते हैं और अपनी वीडियो का लिंक वहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं कैंपेनिंग में, तो आपको 25 व्यूज़ मिल जाएंगे। अगर आपको सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं उसका भी अलग फंडा है। सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए क्या करना है, आपने सब्सक्राइबर वाले कॉलम पे जाना, बीच में सब्सक्राइबर वाला कॉलम है, आप उसे जाइए और किसी भी एक चैनल की पूरी वीडियो देख लें, उसके बाद आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको 200 कॉइन मिल जाएंगे 60 सेकंड के। उससे क्या होगा, जब आपके 2000-2500 कॉइन हो जाएंगे तो आप अपनी वीडियो का लिंक लगा दें वहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। आपने 2000 करीबन 3000 व्यूज पे आपको 20 सब्सक्राइबर मिलेंगे। जैसे ही आपने अपने कहना वीडियो पोस्ट की वहाँ पे और आपने लिंक डाल के अपनी वो वीडियो बनाई, तो उसके बाद क्या है, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। असली फंडा क्या है कि अब शुरू होता है, आपने अपने सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, आप बड़े खुश हो, चलो भाई व्यूज़ बढ़ गए, सब्सक्राइबर बढ़ गए, अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। असली समस्या क्या है कि यही है कि आपका सब्सक्राइबर ना तो बढ़ रहा है ना आपके व्यूज़ बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप 24 आवर के बाद अपना कहना चैनल को खोल के स्टूडियो में YT स्टूडियो में चेक करेंगे, आपके जो सब्सक्राइबर थे वो डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। अब आपने इतनी मेहनत कर दी, अपना पूरा टाइम भी बर्बाद कर दिया और आपको कहना बाद में क्या हुआ कि आपने 20 बढ़ाए और 20 के 20 अपना डिक्रीज हो गए, आपकी वीडियो का जो CTR है वो भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि उनका इंप्रेशन उसके सामने जा रहा है, बाद में वो रिमूव हो जा रहे हैं। तो इसलिए आप किसी भी कहना क्रिएटर की बात ना सुने, आप अपना अच्छा वीडियो बनाइए, अच्छा कॉन्टेंट रखिए, उसमें टैग टाइटल और अपना थंबनेल अच्छा कीजिए और थोड़ा पेशेंस रखिए। जब आप अपना थोड़ा पेशेंस रखेंगे, अपनी वीडियो पे काम करेंगे प्रॉपर, आप अपनी वीडियो को पूरा शुरू से लेके एंड तक अपना जो आपको बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है आप वो कीजिए, आपकी वीडियो वायरल भी होगी, आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर भी आएंगे। केवल यही चीज़ के लिए लेके आपके मैं आपके सामने हाजिर हुआ। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।